हॉलीवुड के फिल्मी पर्दे पर एडिटिंग इतने हाई लेवल पर आ चुकी है कि आज आप असली और नकली के बीच फर्क तक नहीं कर सकते। खैर, अगर आप देखना चाहते हैं ये शानदार हॉलीवुड फिल्में बिना स्पेशल इफेक्ट के कैसे दिखती हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जंगल बुक। इस फिल्म में ग्राउंड ब्रेकिंग CGI की मदद से 70 तरह के अलग अलग जानवरों को दिखाया गया। ये सभी जानवर किसी फिल्म में पर्दे पर हूबहू असली दिखाई देते हैं, इसलिए एनिमेटर्स ने फेशियल रिंगिंग का इस्तेमाल किया। इस चरण के दौरान इन्होंने ऐसी मांसपेशियों का पता लगाया जो जानवरों के पास है लेकिन इंसानों के पास नहीं है। इसके बाद एनिमेटर्स ने इंसान और जानवरों की मांसपेशियों के कॉम्बिनेशन से जानवरों के चेहरे को हाव भाव दिए। साथ ही यहाँ उनके लिए जो चीज सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी ज्यादातर जानवरों के बाल। यहाँ जानवरों के बालों के आसपास के वातावरण के अनुसार लहराना या बोलते समय सही तरीके से हिलना बेहद जरूरी था, ताकि दर्शकों को ऐसा ना लगे कि ये बच्चा अकेले ही कैमरे के सामने बकबक किए जा रहा है। जी हाँ, इस फिल्म में मोगली का किरदार निभाने वाले बच्चे का नाम है नील सेठी और पूरी फिल्म में उसने अकेले ही एक्टिंग की है, क्योंकि पर्दे पर दिखाई दे रहे सभी जानवर CGI की मदद से बनाए गए और उन्हें आवाज दी है कई अन्य एक्टर्स ने। वैसे देखा जाए तो नील सेठी को इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ एक्टर्स की कंपनी तो मिली थी जिन्होंने ब्लू सूट्स पहने हुए थे और कुछ क्रू मेंबर ने हाथों में जानवरों की कठपुतलियां पकड़ी हुई थी, लेकिन वहां उनका काम सिर्फ इतना था कि नील सेठी बोलते समय उसी डायरेक्शन में देखे जहां बाद में CGI ने तैयार किए गए जानवरों को रखा है। लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई को बहुत से लोग एक बेहद शानदार विजुअल मास्टरपीस मानते हैं, क्योंकि इस एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म को बनाना आसान काम नहीं था। इस फिल्म के सभी समुद्री दृश्य एक विशाल वेव टैंक में फिल्माए गए जो कि ताइवान के एक बंद पड़े एयरपोर्ट पर खासकर इस फिल्म की शूटिंग के लिए बनाया गया था। ये वेव टैंक दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ जनरेटेड वेव टैंक था जिसकी दीवार मूवेबल बनाई गई ताकि शूटिंग में सनलाइट का फायदा उठाया जा सके। मतलब कि बोट में बैठे उस लड़के के इर्द गिर्द घूमती हुई इस फिल्म की पूरी कहानी इसी बड़े से टैंक में रिकॉर्ड की गई। और अगर बात करें उस टाइगर की तो जान लीजिए ये जनाब तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दूर दूर तक कहीं नहीं थे। जी हाँ, इस टाइगर को पूरी तरह से CGI की ओर से तैयार किया गया। साथ ही हर दिन की शूटिंग के बाद विजुअल इफेक्ट्स टीम वेव टैंक की सतह को समुद्री सतह की तरह बनाने का काम करती थी। इतना ही नहीं, इस समुद्र को हूबहू असली जैसा दिखाने के लिए हाई पावर विंड ब्लॉर्स और स्ट्रेटेजिक CGI की मदद ली गई, जिसमें हमें फिल्मी पर्दे पर तूफानी बादल और खूबसूरत समुद्री रात के नजारे देखने को मिले। मैलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल। ये 2014 की फिल्म मैलेफिसेंट की सीक्वल है जिसमें एंजेलिना जोली को मुख्य भूमिका में दिखाया गया। इस फिल्म में एंजेलिना के साथ कई अन्य किरदारों को उड़ते हुए दिखाया जाना था, जिसके लिए उन्होंने दो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें पहला तरीका था एक्टर्स को मजबूत तारों के जरिए हवा में उठाए रखना। बता दें, इसी तकनीक का उपयोग अधिकतर फिल्मों में किया जाता है। और दूसरा तरीका था एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना जो कि एक्टर्स को हवा में लहराते हुए 360 डिग्री मूवमेंट दे सके। इस मैकेनिज्म के ऊपर एक्टर्स को मूवमेंट देने का काम कर रहे थे ब्लू सूट्स पहने हुए वो लोग जिनको आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें सभी को बाद में CGI बैकड्रॉप्स के साथ बदल दिया गया। यहाँ ये मैकेनिज्म इस तरह से बनाया गया कि इसके आगे पीछे करते समय या 360 डिग्री पर घुमाते समय एक्टर्स पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसके साथ ही मेलफिसेंट के पंखों को CGI से बनाया गया और इसीलिए एंजेलिना जोली को सेट पर शूटिंग के दौरान अपनी पीठ पर कुछ ऐसी चीजें लगाई रखनी पड़ी जहां बाद में पंख लगाए गए। यहां विजुअल इफेक्ट टीम को न सिर्फ असली जैसे पंख लगाने थे बल्कि उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना था कि ये पंख कलाकार के शरीर की गतिविधियों के साथ तालमेल भी खा लें। एवेंजर्स एंड गेम। 2008 में रिलीज हुई फिल्म आयरन मैन से लेकर अब तक एवेंजर्स सीरीज से जुड़ी 23 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। कमाल की एक्टिंग और गजब की स्टोरी लाइन के अलावा जिस चीज ने इस फिल्मों को सुपर डुपर हिट बनाया वो है इनका CGI वर्क। एवेंजर्स एंड गेम में बहुत से ऐसे सीन हैं जो कि CGI के बिना पॉसिबल ही नहीं थे, जिनमें इस फिल्म की फाइनल बैटल भी शामिल है।
यहाँ ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी की सहायता से बैकग्राउंड वर्ल्ड बनाया गया जहाँ फाइनल बैटल के दृश्य दिखाए गए। इस फिल्म में कई कैरेक्टर्स को CGI ने ही बनाया था, जैसे कि थानोस। यहाँ 8 फुट लंबे थानोस के चेहरे पर फेशियल रिक्रिएशन टेक्नोलॉजी की मदद से एक्टर जोश ब्रोलिन के चेहरे के हाव भाव दिखाए गए और इसी तरह से हल्क के चेहरे के एक्सप्रेशन भी दिखाए गए। साथ ही इनकी बॉडी मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए इन एक्टर्स को मोशन कैप्चर सूट्स पहनाए गए। हैरी पॉटर। अगर आप हैरी पॉटर सीरीज के फैन हैं, तो आपको क्रिडविच नामक वो अजीब खेल प्रतियोगिता तो बेशक याद होगी, जिसमें ब्रूम स्टिक्स पर बैठे हैरी पॉटर व अन्य प्रतियोगी हवा में उड़ते हुए गोल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रतियोगिता के अलावा भी हैरी पॉटर को कई सीन्स में ब्रूम स्टिक्स पर बैठकर उड़ान भरते हुए दिखाया गया। बता दे, उड़ने वाले ये सभी ब्रूम स्टिक्स असली थी, यानी कि एक्टर सचमुच ब्रूम स्टिक्स पर बैठे थे, लेकिन असल में यहाँ ब्रूम स्टिक्स पर बैठे एक्टर्स उड़ने की बजाय एक ही जगह पर ठहरे हुए थे। दरअसल इन दृश्यों को फिल्माने के लिए VFX टीम ने ब्रूम स्टिक्स लगे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म बनाए जिनके ऊपर एक्टर्स को बैठाया गया। इनके पीछे ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड था और